हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इवेंट पोस्ट टाइप का डाटा को फ्रंट एंड में शो कराएंगे। तो पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, जैसे एडिट इवेंट 3 है, इसको ओपन करता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ आपके कौन कौन से इसमें। वेल, जैसे टाइटल है यहाँ पे, ऑथर ऑथर का नेम है यहाँ पे, लोकेशन है और कैटेगरी है, और इसमें कुछ डमी कंटेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कवर इमेज अपडेट कर देता हूँ, फीचर इमेज जिसको बोलते हैं, और इसे अपडेट कर दिया। इसी तरह दूसरे इवेंट और जो दो इवेंट बचे हैं उसको भी मैं कंटेंट अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे एडिट पर क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फीचर इमेज में चूज कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे अपडेट कर दिया। और तीसरे को भी एडिट कर लेता हूँ, इसमें कंटेंट है और इमेज भी है। तो चलिए, अब इसके लिए पेज हमें क्रिएट करना है। जैसे मान लो कि पहला मेथड है कि हमें इसे पेज क्रिएट करते हैं, इसका नाम देता हूँ इवेंट्स, इवेंट्स इसे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स। और इसके हम थीम फोल्डर में जाएंगे। जैसे आपको थीम चेक करना है कि कौन सा एक्टिवेट है, तो आप अपने अपियरेंस में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा भी आपके साइट पे थीम एक्टिवेट है। तो यहाँ 2021 एक्टिवेट है, तो यहाँ पे मैं 2021 थीम्स फोल्डर के अंदर 2021 में जाऊंगा और एक टेम्पलेट बना दूंगा, टेम्पलेट फाइल। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टेम्पलेट इवेंट्स डॉट पीएचपी, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट नेम इवेंट पेज लिख देता हूँ, इवेंट्स पेज, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें अभी एक डब्ल्यू पी क्यूरी चला लेता हूँ, इसमें आर्ग्स नाम का एक एरे बना लेता हूँ, आर्ग्स, और इसमें एरे में पोस्ट टाइप का नाम, पोस्ट टाइप में हमें पोस्ट टाइप का नाम देना है। तो पोस्ट टाइप का नाम हम लोगों का इवेंट है, और पोस्ट पर पेज कितने आप पोस्ट शो कराना चाहते हो, तो पोस्ट पर पेज यहाँ पे -1 कर देता हूँ, सभी को दिखाने हैं। और एक इवेंट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसमें न्यू डब्ल्यू पी क्यूरी, और इसमें आर्ग्स पास कर दूंगा। अब मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ डॉलर इवेंट्स है पोस्ट, अगर ये है तो पीएचपी एंड इफ अब हमें इसमें जैसे डिव क्लास कंटेनर या रो इसे डाल देता हूँ, रो अगर आपको लूप चलानी है, तो फिर इसमें वाइल डॉलर इवेंट्स इवेंट्स है पोस्ट, उसके बाद डॉलर इवेंट्स का द पोस्ट, इस तरह से हमने डब्ल्यू पी क्यूरी यूज करके इसे क्रिएट कर लिया। उसके बाद इंड वाइल डब्ल्यू पी रिसेट क्यूरी, अब हमें इसमें डाटा डिस्प्ले कराना है, मान लो कि इमेज दिखाना है, तो मैं एक फिगर टैग लेता हूँ फिगर, और यहाँ पे फंक्शन होता है द पोस्ट थंबनेल,
इसमें आप क्या करोगे, साइज पास करना है तो कर दो, मेरे केस में भी साइज नहीं पास करना है, और जो साइज बना रखा है इसको मैं इसी तरह पास कर देता हूँ। उसके बाद मुझे टाइटल प्रिंट करने हैं इसके नीचे, तो फिर H2 और इसके बाद द टाइटल। उसके बाद हमें कंटेंट प्रिंट करना है, तो छोटा कंटेंट प्रिंट करना है, पूरा नहीं प्रिंट करना है। तो इसमें द एक्सेप्ट फंक्शन देता है वर्डप्रेस, तो इसके यूज कर लिया मैंने। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कैटेगरी है और वो शो हो जाए कैटेगरी, तो एक URL से मैं इस तरह से बना लेता हूँ। इसमें मुझे लोकेशन डालना है, तो स्ट्रॉन्ग उसके बाद लोकेशन 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 का नाम हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो PHP echo get पोस्ट मेटा। और इसमें हमें क्या करना है, आईडी, तो गेट द आईडी, करेंट आईडी इस पोस्ट के लिए नहीं है, तो गेट द आईडी यूज करोगे आप। और इसमें मेटा की का नाम, तो यहाँ पे इवेंट लोकेशन आपने जो मेटा की का नाम दे रखा होगा, इसमें आप जैसे मैंने बनाया था लोकेशन के लिए, तो आप डाटाबेस में भी जाकर देख सकते हो, या तो यहाँ पे इवेंट लोकेशन जो अपडेट पोस्ट मेटा में जब हम लोग करते हैं देख लेते हैं उसको। इवेंट लोकेशन यही नाम है, इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए तो ट्रू कर दूंगा, और इसे सेव कर दिया। इसी तरह अगर ऑथर का देखना है तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और ऑथर के लिए हमने यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ऑथर आईडी आपको मिलेगा, उसके ऑथर आईडी के रिगार्डिंग आपको ये ऑथर आईडी मिलेगा, ऑथर इसे बाद में हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हमें कैटेगरी दिखानी है, तो कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पे डॉलर कैटेगरीज इक्वल टू गेट द टर्म, गेट द टर्म उसके बाद गेट द आईडी, उसमें टेक्सोनॉमी का नेम हमें देना है, तो हमारा टेक्सोनॉमी का नाम है इवेंट कैट। ये जो इसमें कैटेगरीज, ये जो भी कैटेगरीज इसमें रिसीव होगा, इसे आप लूप फॉर इच चला के प्रिंट कर सकते हो, तो मैं फॉर इच डॉलर कैट इको डॉलर कैट का नेम कर देता हूँ, कैट का नेम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, इसमें सारी कुछ डिफाइन कर दिया, जो जो हमें चाहिए वो उसकी कोडिंग हमने कर लिया। इसे अब डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे मैंने पेज जो क्रिएट किया था, ये इसमें हमने एक टेम्पलेट पेज बनाया है। इसमें आप देखोगे टेम्पलेट में तो इवेंट पेज बना हुआ है, इसको हमें सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है फ्रेंड्स। पहला तरीका ये है कि आप इसे और इसे मैं डिस्प्ले करा देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये दिख रहा होगा,
इवेंट 3 में नेपाल लोकेशन है, ऑथर आईडी 2 है और यहाँ पे वर्चुअल इवेंट है। इसी तरह इवेंट 2 में कोई इमेज नहीं है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इवेंट 2 में गया, यहाँ पे कोई इमेज नहीं, से अपडेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अपडेट करके आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अब इमेज इवेंट 2 में भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि हेडर और फुटर नहीं आ रहा था। हेडर फुटर लाने के लिए मैं इसकी कोडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट हेडर और फुटर प्रिंट करने के लिए गेट फुटर। इस तरह से इसे प्रिंट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको हेडर फुटर दिख जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हेडर और फुटर भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। तो ऑथर का नाम मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें अब ऑथर का नाम लाना है, तो एक फंक्शन होता है गेट द ऑथर मेटा, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ से हमें इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऑथर का नाम डिस्प्ले कराना है, तो कंट्रोल वी कर देता हूँ। और इसमें इसके पैरामीटर में चेक कर लेता, पहले फील्ड उसके बाद यूजर आईडी। तो फील्ड में मुझे डिस्प्ले नाम चाहिए, तो ये इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरे में मुझे आईडी चाहिए, तो यहाँ पे हमें आईडी रिसीव हो रही थी, तो इसे सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऑथर 2 आ गया, ऑथर 2 नाम आ गया। यहाँ पे ऑथर 2 ऊपर वाले का ऑथर 1 इस तरह से आ गया। तो ये एक पहला वे है कि आप इस तरह से आप टेम्पलेट क्रिएट करके इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने फ्रंट एंड को डिस्प्ले करा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पे इवेंट की कैटेगरी पे लिंक क्रिएट करेंगे और लिंक क्रिएट करने के बाद टैक्सोनॉमी पेज भी क्रिएट करेंगे। और 2 और अलग तरीके हैं जिसका यूज करके आप इस तरह का लिस्ट दिखा सकते हो, वो भी देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।